टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम बनाते हैं कुछ मीठा टेस्टी। आज हम बनाते हैं फ्रेश नारियल के लड्डू। तो ये हमने 3 बड़े साइज के नारियल है जिसे तोड़ के इस तरह से हमने इसे मशीन में कद्दूकस कर लिया है। इसका काला वाला हिस्सा है जो वो हमने नहीं यूज करना है, सिर्फ सफेद वाला। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं फटाफट से। कढ़ाई रख दी है ऑलरेडी, इसमें हमने देसी घी डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के। तो अब इसमें हमने ये देखिए ये डाल देना है नारियल जिसे हमने कद्दूकस किया था। ये पूरा का पूरा नारियल इसके अंदर डाल देना है और इसे क्या करना है, हमने चलाते रहना है, थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनते रहना है इसे। ये हमारा कोकोनट एकदम बढ़िया हो गया है भून के, इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा आरोमा आ रहा है, आप देख सकते हैं। बस इसे चलाते हुए भूनना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। बहुत बढ़िया रोस्ट हो गया। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने ये मलाई जमा करके रखी है, तो ये मलाई हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें दूध डाल सकते हैं, मावा डाल सकते हैं, लेकिन ये मलाई से भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है ये। तो ये डाल के मिक्स करना है। इसी के साथ ना हमने चीनी चीनी को पीस लिया है मिक्सर के अंदर। तो चीनी अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हो तो ज़्यादा डालिए, वरना नारियल जितना है उसके आधी चीनी डाल दीजिए। थोड़ा मीठा तेज़ करना है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हमने थोड़ा मिल्क पाउडर रखा है, वो भी डाल देंगे। अब इन सबको भी हम भूनते रहेंगे जब तक ये सूखा ना हो जाए। यह भून के हो रहा है, इसी स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, उसका बहुत अच्छा आरोमा आएगा। और कुछ हमने ये बादाम और पिस्ता रोस्ट किए हुए कतरी ये डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी लड्डू बढ़िया लगते हैं ये। तो बस अभी इसे एकदम सूखा होने तक, ये पूरा एक गोला सा बन जाएगा, कढ़ाई छोड़ देगा, तब तक भून के हम फिर बंद कर देंगे। कढ़ाई छोड़ दी है इसने, बिल्कुल ये ड्राई हो रहा है और आप इसकी आवाज़ देख सकते हो, ये भून चुका है। अब इसे क्या करना है, हमने गैस बंद करके ना थोड़ा सा इसे ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए छोड़ देना है और फिर इसके हम लड्डू बनाने चालू करेंगे। देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी हेल्दी फ्रेश नारियल के लड्डू बनके रेडी है। ये लड्डू आप इस तरह बनाइए और फिर थोड़ी देर इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। ये आराम से आप 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। रक्षाबंधन आ रहा है, नारियल पूर्णिमा आ रही है, तो इस अवसर पर इस तरह से घर में बनाइए। आप जो साइज के चाहे बनाइए, हमने इस तरह थोड़े बड़े मीडियम बनाए और आप घर में ही मिठाई बना के एंजॉय कीजिए। तो चलिए ऐसी ही मीठी मीठी हेल्दी रेसिपी में आपको मिलती रहेगी। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।